अभी अपन थे सोनमर्ग में और अब यहाँ से निकल रहे। बाइक के इस तरह से रेडी है तीनों। चले तो ब्रो, लेट्स राइड। चलिए, थैंक यू भैया। यार वैली कसम से रात को पहुंचे थे तो ऊपर का दिख नहीं रहा था, बट जैसे ही सुबह हुई ना, लाजवाब। अब अपने यहाँ से जो आएगा जोजिला पास, अपना जो लद्दाख ट्रिप का फर्स्ट पास होगा वो जोजिला पास होगा। और ये देखो ना यार, वैली कसम से असम व्यू है यार, कसम से लाजवाब। मज़ा आ रहा है इसको देखते देखते ना। हाय हाय, सुबह उठते ही पर्दा हटाया और जो सीन सामने आया ना खिड़की के, कसम से दिल तो वहीं घायल हो गया था। भाई यहाँ से 341 है। हाय हाय, वाटर क्रॉसिंग। हाय 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 हाय, आ गई वाटर क्रॉसिंग। ट्रक वाले को थोड़ी सी जगह देनी पड़ेगी। स्नो और जो क्लाउड्स है एक जैसे लग रहे हैं, एक जैसे, दोनों डिट्टो भाई भाई। ये है जोजिला पास। ओ फाइनली एट जोजिला पास, खुशी देख ही सकते होंगे चेहरे पे, एक नंबर मजा आया यार। ये आज की अपनी पहली डेस्टिनेशन कवर हो चुकी है, पहला पास था जोजिला पास। और पीछे आपको व्यू दिखाऊं तो कुछ इस तरह का व्यू है। अब आगे चलेंगे, आगे चल के और फिर और बेहतरीन नज़ारे देखेंगे। वीडियो में तो वैसे आप एंजॉय कर ही रहोगे क्योंकि इतने प्यारे प्यारे नज़ारे आ रहे हैं ना वीडियो में, तो यार कसम से नेक्स्ट लेवल है। आना बनता है इधर भी, इन लाइफ वन टाइम एक्सपीरियंस तो ज़रूरी है इस चीज़ का। चलो मिलेंगे अब आगे बाइक पे। बगल से स्नो स्टार्ट हो गई है, बगल में ही पड़ी हुई है, काफ़ी ज़्यादा स्नो है इधर भी। जैसे जैसे आते जाएंगे वैसे वैसे दिखाते जाएंगे। ये देखो ट्रक वाले भी आप मज़े कर रहे हैं, स्नो बॉल बना के फोटो ले रहे हैं अपनी बढ़िया बढ़िया। और यहाँ से जो है कारगिल की बॉर्डर स्टार्ट हो जाती है। अब कारगिल यहाँ से 84 किलोमीटर है। देख रहे हो सामने पूरा प्लेन है दोनों साइडों में, और दोनों साइडों में ही लंबे लंबे माउंटेन्स और बीच में प्लेन, और उस साइड में जो रिवर फ्लो कर रही है काफ़ी ज़्यादा साफ क्लियर पानी है यार, अलग लेवल है। अभी तो ऐसा लग रहा है ना बाइक साइड में लगाऊं, 10-15 मिनट बैठ जाऊँ शांति से। जो इस विलेज का नाम है वो है मटायन। अच्छे से घर भी बने हुए हैं, प्लस होम से भी लग रहे हैं मुझे तो, ये होटल्स और होम से बने हुए हैं। रुकने वगैरह की फुल फैसिलिटीज़ है यार, अच्छी खासी। नदी के पास उतरने की जगह। पानी साफ है ना यार। और ये यहाँ से स्टार्ट द्रास, और इंडिया कोल्डेस्ट विलेज ये बोला जाता है ना, काफी चहल पहल है इस साइड में ना, लगता है थोड़ा बड़ा ही है, पॉपुलेशन ज़्यादा है इस विलेज की।
अभी अपन ने ड्रास कंप्लीट कर लिया है, 3:50 कह रहा हूँ, तो कारगिल भी कवर कर ही लेंगे आज का तो। और कारगिल यहाँ से रह गया 58 और लामा यूरो 160 और जो ले है तुम 38 किलोमीटर है। थोड़ा सा खींच लूँ, इधर से है रास्ता जाने का, ये देखो। तो यार इधर बैठे थे, रिवर साइड पानी देखो एकदम क्रिस्टल क्लियर पानी है, मजा सा आ रहा है। और ऊपर से जो धूप आ रही है, आए हाय बहुत मजा आ रहा है यार। अच्छी मतलब परफेक्ट राइड है, अभी तक इससे अच्छी अभी तक नहीं मिली है। चलो थोड़ी देर एंजॉय करेंगे। तो यार ये है अपना प्यारा इंडिया, ब्यूटीफुल इंडिया। तो फाइनली अभी अपन पहुंच चुके हैं कारगिल, और जो है रास्ते में दो पासेस भी आने वाले हैं, एक तो नमकीला जो पहला आएगा और दूसरा आएगा फुतुला। तो टोटल मिला के 3 पास कंप्लीट किए, पहला जोजिला, दूसरा नमकीला और तीसरा जो है फुतुला। और इधर हवा और तेज, काफ़ी तेज़ चल रही है इस पास में ना, हवा बहुत तेज है। होए होए हवा इधर भयंकर लग रही है यार, तो हाथ तो सुन पड़े हैं, बिल्कुल महसूस ही नहीं हो रही। आज के सारे पास कंप्लीट, और अब लामा यूरो भी यहाँ से 14 किलोमीटर बचा है, लगभग आधे से आधा घंटा लगेगा, आधे से पौन घंटा वहाँ पे पहुँच के रुकेंगे। आज का इससे लामा यूरो करना है,